देश और समाज का कितना नुकसान होता है। क्या कह रहा है भाई, इसे पीने के बाद तो लगता है कि शरीर ताजा हो गया और पेट की सारी गैस बाहर निकल जाती है। इससे हमारे शरीर का क्या नुकसान होगा, इसे पीने में तो मजा आता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है जिसे हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं। उसे पेप्सी में मिलाकर पिलाई जाती है, उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान है। ओ भाई, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम पीते हैं वो तो फिर गैस के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो फिर इससे क्या दिक्कत है? इसमें CO2 के अलावा कई चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंडोसल्फान, जो कि कैंसर तक की बीमारी को जन्म देते हैं। भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर प्रचार करते हैं कि पेप्सी पियो, और जो बड़े बड़े लोग पेप्सी पीते हैं वो क्या मूर्ख है? तुम्हें नहीं पता भाई, ये सभी बड़े बड़े लोग प्रचार के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, और यह न्यूज चैनल वाले तो खबर के बीच प्रचार नहीं दिखाते बल्कि प्रचार दिखाने के लिए खबर दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जो पेप्सी का प्रचार करे उसके पुरस्कार वापस लेने चाहिए। मुझे अच्छा लगता है तो मैं पीता हुआ, तुझे इससे क्या दिक्कत है? जब से पेप्सी बनना शुरू हुई है तब से एक बोतल बनने के लिए 4-5 बोतल पानी नष्ट होता है। जिस बोतल में पेप्सी भरी जाती है वह हजारों साल तक गलती नहीं है, उससे प्रकृति का नुकसान नहीं होगा और मेरा होगा। कोल्ड ड्रिंक से जानवर, मानव, समाज सभी को नुकसान है भाई। ये सभी जगह पी जाती है तो हमारे देश में कैसे नुकसान है? तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमारे देश का हित और अहित क्या है? मैं बताता हूँ भाई, ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं ये सभी कोल्ड ड्रिंक्स की हैं, ये हमारे देश से पैसा कमाकर अपने देश में लेके जाएंगी और हमारा देश गरीब हो जाएगा। चलो भाई, मान लिया मैंने कि इससे बहुत सारी समस्याएं हमारे प्रकृति, समाज और मानव शरीर और देश को भी नुकसान है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है जिससे हम ठंडक पहुंचा सके शरीर को गर्मियों में। हमारे हिंदुस्तान में इसके अलावा बहुत विकल्प है, इसके लिए सबसे अच्छे करने का रस है और इससे सभी को फायदा भी है। भाई, उसका तो मक्खियां लगी रहती है, वो क्या फायदा करेगा? तुमसे समझदार और बुद्धिमान तो मक्खियां हैं, उनको ये तो पता है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद और क्या नहीं। गन्ने के रस के तो अनगिनत फायदे हैं, गिनाऊंगा तो गिनते रह जाओगे। गन्ना लीवर को ठीक रखता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी में लाभ करता है। तो पैसा विदेश में नहीं जाता है बल्कि हमारे देश में रहता है, और पैसा गरीब किसानों और गरीब गन्ने वालों के पास जाता है जिससे पैसा समाज में बढ़ जाता है और गरीबी खत्म होती है। मुझे तो इसे प्रकृति का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। प्रकृति को बहुत फायदा है, गन्ने का रस निकालने के बाद जो बच जाता है उसे हम प्राकृतिक खाद बनाकर अपने खेत में उपयोग ला सकते हैं, और इससे हम जहर रूपी खाद को अपने खेत में उपयोग करने से बच सकते हैं। चल भाई, मान लिया मैंने कि गुरुकुल के विद्यार्थी बहुत ज्यादा ज्ञानवान है और इन्हें सब चीज के बारे में ज्ञान है। मुझे लगता था कि इन्हें अंग्रेजी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग बहुत धन्य हो। माफ करना भाई, आज से हम कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, हम आपके आगे झुकते हैं। आज के बाद हम इस जहर को कभी नहीं पियेंगे जिससे सारे देश, प्रकृति और समाज का नुकसान होता है। लो भाई, सभी मिलकर गन्ने का जूस पीते हैं। वाह, ये तो बहुत मीठा है और ताजा भी लग रहा है। इससे आज के बाद कभी कोल्ड ड्रिंक हम नहीं पियेंगे। ये जो छोटी सी जहर रूपी बोतल आप देख रहे हो, भले किसी भी कंपनी की हो, ये परमाणु बम से कम खतरनाक नहीं है। हजारों बीमारियों को जन्म दिया है और घर परिवार बर्बाद कर दिए। 90 लाख से अधिक कैंसर के रोगी मर रहे हैं हर साल, उसका एक प्रमुख कारण है। और ये जो अमृत रूपी, जो परमात्मा का, प्रकृति माँ का दिया हुआ गन्ना है, ये लाखों परिवारों को बचा सकता है। इसलिए प्रकृति की ओर लौटे, परमात्मा की ओर लौटे। वंदे मातरम। एक छोटी सी प्रस्तुति गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा समाज को जागृत करने के लिए दी गई है। एक छोटी सी बात समाज को समझनी है, जो सचिन तेंदुलकर, जो विराट कोहली शराब की ऐड करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड करते हैं, वो समाज को प्रेरित करते हैं शराब की तरफ और कोल्ड ड्रिंक रूपी जहर की तरफ। वो इस देश के नायक नहीं बल्कि खलनायक है। सरकार को उनके सभी अवार्ड वापस ले लेने चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि पूरा सिस्टम बिका हुआ है। आज आप एक छोटे सा उदाहरण अगर आप लोगे कोल्ड ड्रिंक का, तो जब एक कोल्ड ड्रिंक पी जाती है तो समाज के प्रत्येक वर्ग को नुकसान होता है।
पीने वाले की हड्डियां गल जाती हैं। इसमें इतने खतरनाक केमिकल हैं जो अंत में कैंसर तक तैयार करते हैं। एंडोसल्फान जैसे केमिकल इसके अंदर है। इसका पीएच लेवल 2.5 है, जो जंगलों में पड़ी हजारों साल पुरानी हड्डियों को भी गलाने की ताकत रखता है, तो मनुष्य के शरीर में जाके क्या नुकसान होता है? खुद को नुकसान, जब व्यक्ति बीमार होगा तो परिवार को नुकसान, पड़ोसी को नुकसान, समाज को नुकसान। पानी की किल्लत पूरे भारत में है। एक बोतल बनाने के लिए 4 बोतल पानी वेस्ट किया जा रहा है। देश को नुकसान, क्योंकि अरबों खरबों रुपए भारत से बाहर इन जहर के रूप में, भले ही वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, फेयर एंड लवली हो, अंग्रेजी दवा हो, इसके रूप में बाहर जा रहा है, या फिर यूरिया डीएपी हो, भारत को नुकसान। और इस प्लास्टिक की बोतल में जो ये जहर परोसा जाता है, इससे प्रकृति माँ को भी नुकसान है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, इस कोल्ड ड्रिंक रूपी जहर को बाहर निकालें और इसका बहिष्कार करें। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कभी भी बोतल बंद आइटम को ना पिएं, इससे समाज का बहुत नुकसान होता है। कोल्ड ड्रिंक से अगर फायदा होता है तो पहला फायदा होता है जो इस कंपनी बना रही है, उनका व्यापार अरबों खरबों का होता है। दूसरा फायदा होता है जो नकली नायक, जिसे हम एक्टर समझ रहे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे विराट कोहली हो, वो 5-10 करोड़ रुपए मात्र 1 मिनट के लेके जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है जिन टेलीविजनों पे हम हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, फिल्में देख के, नाटक देख के और न्यूज देख के, उन चैनलों को लाभ होता है। इसके स्थान पर अगर गन्ने का जूस या ताजा फलों का रस पियेंगे तो पूरा देश तरक्की करेगा और शहीदों के सपनों का भारत होगा। क्योंकि जब गन्ना बेचा जाएगा तो पैसा किसानों में बटेगा, और गन्ने को बेचने वाली फैक्ट्रियां नहीं हो सकती। जूस के लिए ऐसे छोटे छोटे भाई जो गांवों में छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं, अगर मात्र कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दिया जाए तो देश में कम से कम 50 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है और उनके घर परिवार को बचाया जा सकता है। और जो हजारों किसानों की हत्याएं हो रही है हर रोज इस देश में, उन किसानों की हत्या भी रोकी जा सकती है। क्योंकि जब गन्ने का जूस पूरा भारत पिएगा तो गन्ने का मूल्य बढ़ेगा, तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा, और प्रकृति में जब गन्ने का जूस पीने के बाद भी जो छिलका बच जाता है उससे प्राकृतिक खाद बनाया जा सकता है। जो यूरिया डीएपी रूपी जहर जो है, जो कैंसर का मुख्य कारण है, उसको भी रोका जा सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी इन सब नियमों का पालन करें। वंदे मातरम, जय भारत। बोलो भाई राजीव दीक्षित। जय माता की। जय। जिंदाबाद।